बाकी भी स्टूडेंट्स को मैं कर दूँ क्योंकि वो हेलो जैसे कि आप देख रहे हो वी आर फ्रॉम ग्रीन जोन हजरतगंज, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। आज हमने यहाँ पे मॉनसून डे सेलिब्रेट करा है जिसमें कई सारे कॉम्पिटिशन हमने हेल्ड करे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये था हमारा एक स्केचिंग कॉम्पिटिशन जिसमें इन्होंने अलग अलग तरह के स्केचेस बनाए हैं और इनमें से जो विनर होगा फाइनली दैट वी विल बी अनाउंसिंग। इसके अलावा हमारा टग ऑफ वॉर का कॉम्पिटिशन था, वी हैड तंबोला कॉम्पिटिशन, खो खो, लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन वर देयर फॉर देम। तो जो सारा हम चाह रहे हैं कि एक वो एक स्पिरिट होती है ना मॉनसून की, वो स्टूडेंट्स के अंदर हमेशा ज़िंदा रहे, वो सेलिब्रेट करना चाहें। नेचर को थीम देकर ही हमने सारे जितने भी स्केचेस बनवाए हैं उसमें भी थीम हमारी नेचर ही रही है, सो दैट इनके अंदर एक स्पिरिट आए कि ये नेचर सेव करें आगे जाके और हेल्पफुल रहें सब चीज़ों के लिए। एंड वी आर बेसिकली, हमारा फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट रहता है, हम फोटोग्राफी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी करवाते हैं यहाँ पर, तो वहीं के ही अभी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो इट्स अ काइंड ऑफ यू नो फन एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स ताकि वो अपने आप को एंजॉय भी कर सकें और साथ ही साथ हमारा भी यहाँ पे कुछ एंजॉयमेंट हो जाए। मतलब जनेश्वर मिश्र पार्क को चुनने के, इस वेन्यू को चुनने का यही कारण था? ये वेन्यू को चुनने का एक ये कारण था कि यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, ठीक है, सो वी कैन रिलेट मोर, क्योंकि कोई भी और पार्क होता तो वहाँ पे इतना ज़्यादा आप नेचर से क्लोज नहीं रह पाते हो जितना यहाँ पे एरिया भी ज़्यादा, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स तो जाके वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। एंड वी हैव यू नो एक ये ऐसा पार्क है जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों में डाइवर्सिटी मिलेगी, तो दे कैन एंजॉय देमसेल्फ, झूले भी हैं यहाँ पे और बोटिंग भी कर सकते हैं ये। मैम आपका क्या नाम है और किस तरीके का आयोजन आज ये यहाँ पर किया गया? मेरा नाम निमिषा सोनी है, मैं ड्रीम जोन में फैशन डिज़ाइन की फैकल्टी हूँ और आज हम लोगों ने मॉनसून डे का सेलिब्रेशन यहाँ पर किया है जनेश्वर मिश्रा पार्क में। बच्चे हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, फैशन फोटोग्राफी, सारे ही बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने यहाँ पर ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन करके नेचर का एक पूरा ट्रिब्यूट दिया नेचर को कि नेचर क्या है, नेचर से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं और नेचर किस तरीके से हमें प्रिजर्व करना चाहिए एज अ डिज़ाइनर। तो बच्चों ने इन चीज़ों के ऊपर आज एक ड्राइंग कंपटीशन किया है, प्लस हम लोगों ने बहुत सारे खेल का भी आयोजन किया था जिसमें बच्चों ने रस्सा खींच, कबड्डी, खो खो, ये सारे गेम्स को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया और ड्राइंग कंपटीशन में से हमने बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का प्राइज़ और सर्टिफिकेट्स देकर ये इवेंट का समापन किया। थैंक यू सो मच।